रानीपुर झांसी पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से जनता की क्या हालत है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मऊरानीपुर में देखने को मिला। मऊरानीपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम मऊ देहात, जहां के प्रधान गुड्डू मिस्त्री अपनी पंचायत से पिछली 3 पंचवर्षीय से लगातार प्रधान के रूप में जनता की सेवा कर रहे हैं। इसके अलावा वह राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार से सम्मानित होने के अलावा अन्य कई महत्वपूर्ण पुरस्कारों से भी सम्मानित हो चुके हैं। मऊ देहात के अलावा भी अन्य कई सामाजिक कार्यों में अहम भूमिका निभाने वाले गुड्डू मिस्त्री आज साइकिल चलाने को मजबूर हैं। जब इस विषय से मैं प्रधान जी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के कारण वह साइकिल चला रहे हैं, क्योंकि वह पेट्रोल का खर्चा उठाने में सक्षम नहीं है। इसके अलावा निस्वार्थ भाव से लगातार 15 वर्षों से जनता की सेवा कर रहे हैं। यही कारण है कि जनता ने उन्हें लगातार तीसरी बार प्रधान बनाकर सेवा करने का मौका दिया है और सरकार द्वारा भी राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार, चीन यात्रा के अलावा अन्य तमाम महत्वपूर्ण पुरस्कारों से सम्मानित किया है। IN7 न्यूज के लिए मऊरानीपुर से देवेंद्र चतुर्वेदी की रिपोर्ट। कि हमने अपना जो है 2005 से लगातार हम तीन बार प्रधान हैं, साइकिल इसलिए चलते हैं कि हमने ईमानदारी और निष्ठा से काम किया है। यही कारण है कि हमारी जनता हमारी समाज के तीन वोट नहीं हमारे गांव में, उसके बाद तीन बार से समान सीट पर लगातार जनता हमको प्रधान बना रही है। ये हमारी ईमानदारी की वजह से हमको जो है जनता प्रधान बनाती है। और साइकिल से चलने का ये कारण है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि मोटरसाइकिल से चले या स्कॉर्पियो से चले। हमने ईमानदारी से काम किया है और इसीलिए हम आज साइकिल से चल रहे हैं। और पेट्रोल भी महंगा है, उसके लिए भी जो है आप मान लीजिए साइकिल चल रहे हैं। नहीं तो क्या आपके गांव की जनता ये नहीं चाहती कि हमारा प्रधान भी बड़ी गाड़ी से चलकर हमारे मऊ देहात ग्राम में आए और हमें भी अच्छा लगे कि हमारा प्रधान एक अच्छे से आए। जानती कि हमारा प्रधान सरल स्वभाव का है और उसको किसी चीज़ की कोई तमन्ना नहीं है। उसने निष्ठा ईमानदारी से काम किया है और हमें अपनी